दोस्तों, करण जौहर की बर्थडे पार्टी से जो कोरोना का बम फूटा है, 55 से ज्यादा सेलिब्रिटीज कोरोना का शिकार हो गए हैं और ये 55 लोग और कितने 55-50 लोगों को अपने गिरफ्त में लेने वाले हैं कोरोना के चलते, अभी इसका अंदाजा आप लगा नहीं सकते हैं क्योंकि ये बम फूट चुका है। बीएमसी ने भी बहुत कड़ा एक्शन लेते हुए ये कह दिया है बॉलीवुड वालों को कि के वेस्ट के वार्ड में कोई भी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज पार्टी ना करे, ये सख्त हिदायत दी जा रही है। कोई भी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज अगर इन नियमों का उल्लंघन करता है तो हम उसके साथ कड़ाई से निपटेंगे। हालांकि कितने कड़ाई से निपटेंगे ये तो पता नहीं है, लेकिन क्योंकि बॉलीवुड वाले हैं, बॉलीवुड वालों के साथ कौन कड़ाई से निपटेगा। तो हालांकि बीएमसी ने वार्निंग भले ही दी है, लेकिन पार्टियां अभी भी जारी है बॉलीवुड में और जमकर हो रही है। तो ये जितने भी लोग हैं सब एक के बाद एक शिकार होते जा रहे हैं। अभी लेटेस्ट में शाहरुख खान, आदित्य रॉय कपूर, कार्तिक आर्यन, कियारा आडवाणी और अब कैटरीना कैफ इस वायरस की चपेट में आ गई हैं। अब आप सोचिए, कैटरीना कैफ इस वायरस की चपेट में आई है और उनके जो पति हैं वो कहाँ गए थे? अवार्ड फंक्शन में, अबू धाबी। यानी वो भी आज नहीं तो कल इसकी वायरस की चपेट में आने वाले हैं। सलमान खान भी इसी पार्टी का हिस्सा थे, सलमान खान को भी हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो करण जौहर की पार्टी में आए थे और एक के बाद एक सभी लोग इसका शिकार हो रहे हैं। यानी ये जो आंकड़ा है अब ये अबू धाबी तक भी पहुंच गया होगा। फिर अबू धाबी से कल ये लोग बर्थडे पार्टी में गए थे किसी बड़े सेलिब्रिटी के नाम पे। मैं उस शख्स का नाम अपनी वीडियोस में नहीं लेता, पता नहीं क्यों लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। तो बड़े बिजनेसमैन हैं हमारे देश के, उनकी पार्टी में गए हुए थे। तो ये सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज वहाँ भी गए थे, अब वहाँ भी कोरोना फैलाया होगा इन्होंने। अब ये कोरोना कहाँ कहाँ तक फैलने वाला है किसी को नहीं पता। हालांकि मार्च महीने में गवर्नमेंट की तरफ से और हु की तरफ से ये जरूर कहा गया था कि जून महीने के अंत तक भारत में कोरोना उफान पर होगा। अब होगा कि नहीं होगा ये तो जून एंडिंग तक ही पता चल पाएगा। नहीं होगा तो बहुत अच्छी बात है, और हो गया तो समझो बेड़ा गर्क हो गया।